मीना और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, जिसे पम्पकिन भी कहा जा सकता है। पम्पकिन की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। आज हम पम्पकिन की सब्जी को हम खट्टी मीठी बनाएंगे। खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो आइए हम हलवाई जैसी कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कद्दू को मैंने काट के लिया हुआ है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स जिसे मेथी कहते हैं हम, एक तिहाई छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ड्राई मैंगो पाउडर, आधा छोटा चम्मच ड्राई के दाने मस्टर्ड सीड्स, एक छोटा हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा जिसकी मैंने पेस्ट साथ में बना के लिए हुई है, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा हम धनिया लेंगे, धनिया को मैंने साफ पानी में धो के फिर बारीक काट के लिया हुआ है, नमक हम स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ हींग और सब्जी के लिए हम तेल लेंगे। तो आइए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है और गैस ऑन किया है। आइए 1/4 कप जितना हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल गर्म हो गया है, मस्टर्ड सीड्स, मेथी के दाने फेनुग्रीक सीड्स, पिंच ऑफ हींग, गैस का फ्लेम अभी हम स्लो करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर डाल के हम सारे मसाले को मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि मसाले हैं वो गले ना। मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितना पानी डाला है और अभी हम मैंने गैस का फ्लेम दोस्तों पहले से स्लो कर दिया है ताकि मसाले वो गले ना। देखिए मैंने मसाले को आधे मिनट तक भून लिया है। आइए अब पम्पकिन को हम डाल देते हैं और अभी नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। आइए अभी गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम ढककर 5 मिनट तक पकने देते हैं और फिर 5 मिनट बाद हम सब्जी को चेक करेंगे। सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गई है। सब्जी को हम ऐसे चम्मच से देखिए अभी सब्जी कच्ची है। आइए और हम 1/4 कप पानी डाल देते हैं और वापस सब्जी को हम ढक के फिर पकने के लिए रख देते हैं। सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, देखिए सब्जी है वो अच्छी तरह से पक के तैयार है। देखिए चम्मच से सब्जी है वो अच्छी तरह से पक के कुक होके तैयार है। थोड़ा सा हम सब्जी को स्मैश कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी है वो अच्छी ठीक हो जाए। और आइए अब इसमें हम काला नमक, शक्कर, आमचूर पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखिए मैं सब्जी को थोड़ा स्मैश कर दिया है ताकि ये और अच्छी ग्रेवी वाली बन के तैयार हो जाए और इसके पीसेस भी अच्छे छोटे छोटे बन जाए। आइए अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी में धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से हिला देते हैं। और आइए सब्जी को सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सब्जी बनके तैयार है, मैंने सब्जी को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। मैंने सब्जी को हरे धनिया से गार्निश किया है। सब्जी को आप पूरी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सब्जी हलवाई जैसी और शादियों में बनने वाली जैसी बनी है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे कमेंट में शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखा दोस्तों, हलवाई जैसी कद्दू की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें।
दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।